नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं क्यूरिन। तो कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत की जंग लगातार जारी है। कोरोना के खिलाफ जंग में अब DRDO की नई दवाई उम्मीद की किरण लेकर आई है। इसी कड़ी में आज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की ओर से विकसित कोरोना की दवा 2DG की पहली खेप लॉन्च की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दवा को हरी झंडी दे दी है। सरकार ने दावे किए हैं कि ये दवा अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों की तेजी से रिकवरी में मदद करेगी। लॉन्चिंग के बाद अगले 2 दिनों में ये मरीजों को मिलने लग जाएगी। इस दवा को डॉक्टर रेड्डी की मदद से तैयार किया गया है। हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लैब में इसकी 10,000 डोज बनकर तैयार भी हो चुकी हैं। बता दें कि अप्रैल 2020 में DRDO के वैज्ञानिकों ने लैब में कोरोना महामारी को लेकर बनाई गई दवा के लिए परीक्षण किए थे। उन्होंने पाया कि ये दवा SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ प्रभावी ढंग से काम कर रही है और वायरस को बढ़ने से रोकती भी है। मई 2020 में कोविड मरीजों में 2DG के चरण 2 के परीक्षण की अनुमति दी गई थी और मई से अक्टूबर 2020 के दौरान किए गए दूसरे चरण के परीक्षणों में दवा सुरक्षित पाई गई और उसकी रिकवरी में महत्वपूर्ण सुधार भी देखा गया। फेज 2 में 110 मरीजों का ट्रायल किया गया और ट्रायल लिए जाने वाले मरीजों पर इसका असर देखा गया। बता दें कि रक्षा मंत्रालय का कहना है कि कोविड-19 की चल रही दूसरी लहर की वजह से बड़ी संख्या में मरीजों को ऑक्सीजन और अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ रही है। ये दवा ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करने में बहुत मदद करने वाली है। आप जान लीजिए कि इस दवा का सेवन कैसे करना होगा। इस दवा का नाम 2DG रखा गया है। DRDO की ये दवा ऐसे समय में आई है जब कोरोना की तीसरी लहर की बात हो रही है। अच्छी बात यह है कि 2DG दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है और इसे पानी में घोलकर पीना होगा। दवा के असर की बात की जाए तो जिन लक्षण वाले मरीजों का 2DG से इलाज किया गया है वे मानक इलाज प्रक्रिया से पहले ठीक हो गए हैं। अब समझिए कि ये दवाई किसको दी जाएगी। तो ये दवा कोरोना के सामान्य से गंभीर मरीजों को दी जा सकती है। 2DG दवा मरीजों को तेज़ी से ठीक होने में मदद करेगी और ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम करेगी। क्यूरिन की रिपोर्ट।